महबूबे लाही के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की सालाना उर्स का आगाज हो चुका है। 719वां सालाना उर्स 12 से 16 नवंबर तक अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के मौके पर दरगाह को बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया। भारी तादाद में अकीदतमंदों के दरगाह पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ थोड़ा इस मौके पर हमारी टीम दरगाह पहुंची, जहां लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ अपने भाईचारे का सबूत पेश करते नजर आए। 19वां उर्स है ये माशाल्लाह से हजरत निजामुद्दीन का, और कोरोना के बाद पहली बार हो रहा है। मतलब पहली बार पब्लिक को मद्दू नहीं किया गया था, इस बार पहली बार पब्लिक को मद्दू किया गया है। बड़ी तादाद में लोग आए हैं। परसों भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, कल बड़ा कुल हुआ था यहाँ पे, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त भीड़। और काशिफ निज़ामी साहब के यहाँ से बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है यहाँ पर, माशाल्लाह दरगाह में हर तरह से। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जगह, मतलब एक समझिए पूरे देश को एकता की ज़रूरत है। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, ये बहुत बड़े पैगंबर थे हमारे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, जिन्होंने एक भाईचारे का मैसेज दिया है कि भाईचारा क्या होता है, इंसानियत क्या होती है और बहन भाई क्या होते हैं। इस तरीके का एक उन्होंने एक मैसेज दिया है, और उस भाईचारे को, गंगा जमुना की तहजीब को हम लोगों को बरकरार रखना चाहिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी दरगाह में देश के कोने कोने से आए जायरीन कैसे एकजुट होकर उर्स का जश्न मना रहे हैं। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ हर कोई अपने साथ साथ पूरे मुल्क में अमन और तरक्की की दुआएं मांग रहा है। बड़े फख्र की बात भी है कि 700 साल से मुसलसल हम लोग उनके बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं, और खाली मुस्लिम ही नहीं, पूरा हर धर्म का, हर वर्ग का जो है आदमी जो है वो उनकी इज्जत करता है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि इनकी दरगाह पे आने का मौका मिला है, और ये किसी कुछ ही लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है। मैं चाहूँगा कि ये मौका सभी उनका प्राप्त करें, और ऐसे मुकद्दस दिन पे आके अपने आप को खुश नसीब समझें। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मगरिब की नमाज के बाद उर्स का आगाज होते ही इस मौके पर पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी 147 जायरीन का डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा और उर्स मुबारक में हिस्सा लिया। 719वां उर्स हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे-इलाही का, और यहां पे चार दिन से उर्स चला, लास्ट दिन है, और दरबार में हर मजहब और धर्म के लोग आते हैं। अभी 147 पाकिस्तान से भी लोग आए थे उसके लिए, और वो यहाँ चादर वगैरह चढ़ा के गए, चार दिन रहे थे 147। तो यहाँ पर दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए प्रार्थना होती है, दुआ होती है, दरबार शरीफ में सब एक हैं, और आज भी दुआ हो रही है दरबार में। और दरबार में यहाँ लंगर का इंतज़ाम है रोज़ाना, और हर मजहब के लोग खाते हैं यहाँ पर दरबार में लंगर। यहाँ के बहुत बड़े दरबारी कव्वाल हुआ करते थे, और जो हजरत अमीर खुसरो ने अपने पीर के लिए लिखा है, छाप तिलक सब छी मोसे नैना मिला के, बात अगम कह दी मोसे नैना मिला के। लेकिन मेरी अपनी एक अकीदत है कि अमीर शहर से बढ़कर अमीर रहते हैं, और खुदाए पाक के सच्चे फ़कीर रहते हैं। हमें है नाज यहाँ पर, यहाँ की मिट्टी से हमारे शहर में रोशन ज़मीर रहते हैं। इस दौरान मशहूर कव्वाल हमशर हयात निजामी ने दरगाह के माहौल को और भी नूरानी और रूहानी बना दिया। यूं ही खास नहीं है ये दरगाह, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग उस महबूबे इलाही के सामने बड़ी अकीदत से हाजिरी देते हैं। इस दौरान लोगों के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया। आज इस सालाना उर्स का आखिरी दिन है, और लोग बड़ी संख्या में अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।